नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना टॉप भारत चैनल में। दोस्तों इस समय मौजूद हैं ठटिया क्षेत्र में। आप लोग देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से प्लांटर जो है चल रहा है, कहीं ना कहीं पक्की फसल की जो आलू है वो कहीं ना कहीं खुदाई जोरों से चल रही है और ये प्लांटर से खुदाई जल्दी हो जाती है कहीं ना कहीं, और इस क्षेत्र में ज़्यादातर इसी से जो है आलू की खुदाई जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि आलू की जो पैदावार है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक है और इसमें थोड़ी बहुत अभी बेल भी बची हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अभी इससे आलू में थोड़ी और भी थोड़े दिन तक ये चल सकता था, आलू कहीं ना कहीं हो सकता था। तो प्लांटर की आलू की खुदाई की जो है वो कहीं ना कहीं बढ़िया रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक दिन में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी जो है खेत में मतलब काफ़ी आलू जो है ये खोद सकता है। इसकी क्षमता है कि अगर पूरे दिन चलेगा तो बीघा कई बीघा ये आलू जो है इससे जो है खुदाई हो सकती है कई बीघा आलू की, और काफ़ी अच्छी मशीन भी रहती है इसमें। बस यही रहता है कि जो साइड में आलू जो रह जाता है उस आलू में जो है कहीं ना कहीं उसको हटाना पड़ता है, और क्योंकि वो एक दो आलू जो है कटने की संभावना रहती है। जो आप लोग देख पा रहे होंगे पास में जो इधर साइड में ये तवा साइड के जो लगे होते हैं तो इससे जो है आलू थोड़ा बहुत कटता है, और अगर आप समय पे वहीं पे हैं तो हटा देंगे अगर तो आलू कटने से जो है बच जाता है, देख सकते हैं आप लोग। और इस जो आलू की खुदाई जो हो रही है इसमें काफ़ी अभी बेल आप लोग देख पा रहे होंगे, तो बेल की वजह से अभी ये आलू जो है अभी और खड़ा रहता है लेकिन पक चुका है पूरे तरीके से। तो ये कुछ ठटिया क्षेत्र की पोजीशन है। आलू में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आलू की जो पक्के फसल की खुदाई है वो कहीं ना कहीं जोरों से हो रही है। किसान भाई से भी हमने बात की थी, इस आलू की जो बिक्री वो है कहीं ना कहीं 250 रुपये पैकेट के हिसाब से मतलब व्यापारी ने मांगा होगा, तो किसान भाई ने इसको बेचा नहीं है और इसको जो है कोल्ड स्टोर में स्टोर करेंगे ठटिया किसान कोल्ड स्टोर में। तो कहीं ना कहीं ये जो है आलू की भराई भी हो रही है और इसका शायद 200 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से ये प्लांटर जो चलता है। तो आप लोग जो है अगर आलू की खुदाई आपके बड़ा खेत है और आपके मतलब आपको खुदाई वगैरह करवाना है तो इसे प्लांटर से जो है आलू आप खुदा सकते हैं। अगर इसमें जैसे दो एक जो दो बाजू बनाने वाली जो मशीन से आलू रखा जाता है उसमें काफ़ी ये इसमें जो आराम रहता है, क्योंकि उसमें जो है आलू थोड़ा कम कटता है, मतलब कटता तो है ही थोड़ा बहुत लेकिन थोड़ा कम कटता है, मतलब दो जिससे दो बाजू वाली मशीन होती है उसमें थोड़ा कटता ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो तीन वाली होती है ना उसमें थोड़ा बहुत आलू कटने की संभावना रहती है, थोड़ा बहुत कटता है मतलब एक दो परसेंट जो आलू होता है वो तो कटेगा ही। अगर मौजूद अगर आप यहाँ पे हैं तो आप लोग आलू जो है हटा सकते हैं और हटा के जो है अगर चलेगा तो एक तरफ से हटाते रहिए एक तरफ से करते रहिए तो एक भी आलू नहीं कटेगा आपका। अगर एक दो आदमी अगर मौजूद खेत में रहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये आलू की पैदावार है, अभी ये भरा जाएगा तो उसके बाद हम उसके बारे में देखते हैं कि पैदावार जो है इस ठटिया क्षेत्र में थोड़ी कम है अगर देखा जाए तो। अगर ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से मैंने देखा है एक दो खेतों का तो थोड़ी बहुत पैदावार थोड़ी कम है, बाद बाकी जो आलू का स्टोर किया जाए कितना प्रतिशत रहेगा स्टोर में कितना नहीं रहेगा वो हम किसानों से जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल में इतना ही अपडेट है, और अगर मतलब आप लोगों के कुछ राय है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।